Assalamualaikum, मैं नमन मोहन, आप देख रहे हैं टेक शो जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली हमारी अपडेट इंटरनेशनल है जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई गूगल ने उनको कहा है कि हम लोग आपके कंट्री को छोड़ जाएंगे। जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने गूगल को ये कहा है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो न्यूज़ चल रही होती है हमारे कंट्री के अंदर, लोग 8 में से एक बंदा न्यूज़ को सर्च कर रहा होता है, मतलब कि 12% से ज़्यादा लोग न्यूज़ को रीड कर रहे होते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोग हमें इसका शेयर दें, मतलब कि आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो पब्लिशर्स होते हैं जो कि न्यूज़ को पोस्ट करते हैं गूगल के ऊपर, उनको आप लोग पैसे ऑफर करें। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर लोग जाकर एड्स को पढ़ते होंगे, जो वेबसाइट्स के ऊपर एड्स चलती हैं उनका तो रेवेन्यू मिलता ही है। जैसे यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूट्यूब को ये कहे कि मुझे जो एड्स का रेवेन्यू है उसमें से एक शेयर दिया जाए, मतलब कि जो आप लोग एड्स देख रहे हो वो रेवेन्यू तो मुझे मिलेगा, उसके अलावा जो एडवर्टाइजर्स का रेवेन्यू है वो भी मुझे दिया जाए। कहा यह जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रिंट मीडिया उनका जो रेवेन्यू है उनके ऊपर जो एड्स चलती थी, मतलब कि जो अखबारों वगैरह के अंदर एड्स आती थी पिछले काफ़ी सालों के अंदर, उनके अंदर 75% तक डिक्रीज आया। मतलब कि जितनी भी अब एड्स चल रही होती हैं ऑनलाइन चल रही होती हैं, फेसबुक के ऊपर चल रही होती हैं या फिर गूगल के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही होती हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि ठीक है या फिर नहीं है कि गूगल को शेयर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? वैसे मुझे ये लगता है कि इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर मैं न्यूज़ को पोस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर ऑलरेडी गूगल एड्स को रन कर ही रहा होता है। इसके अलावा डायरेक्टली तौर पर, मतलब कि डायरेक्ट उनसे पैसे मांगना, ये टोटली तौर पर गलत है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन $4 अरब में से जो गूगल उसने टैक्स जो पे किया वो 4.5 करोड़ है, मतलब कि काफ़ी कम टैक्स है। जो टैक्स की अमाउंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ की जा सकती है, लेकिन डायरेक्टली तौर पर शेयर मांगना ये टोटली तौर पर मुझे गलत लगता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है विंडोज़ के नेक्स्ट वर्जन के रिलेटेड, जो कि होगा विंडोज़ 10X। अब आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि भाई विंडो का अगला वर्जन कब आएगा, विंडो 11 कब आएगी? तो यार विंडो 11 नहीं आएगी, विंडो का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा उसको 10X कहा जाएगा। और जो अपडेट है ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने है नोकिया के 950XL स्मार्टफोन के अंदर विंडो 10X को रन किया जा रहा है, जो कि काफ़ी साल एक पुराना फ़ोन है। अब इसका मतलब ये है कि जो डेवलपर्स मोड आप लोग उसको कह लो जो कि आप लोग टेस्टिंग के लिए होता है, उसके तरीके के साथ किसी ने विंडोज़ के इस फ़ोन के अंदर जो कि नोकिया वाला फ़ोन है उसके अंदर इंस्टॉल किया है। हमें पहली जो लुक मिल रही है, मे भी ये भी हो सकता है कि विंडोज 10X जो स्मार्टफोन को भी सपोर्ट करे, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो स्मार्टफोन नहीं है, हमारे लिए विंडोज़ ही है। तो यार बहुत जल्द आ रही है, इसका जो आप लोग कह लो कि डेवलपर टाइप की जो होते हैं मोड्स वगैरह वो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो स्टेबल अपडेट होगी वो आई थिंक 2021 के अंदर ही आ सकती है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Redmi K40 सीरीज़ के रिलेटेड। तो भाई एप्पल के बाद सैमसंग, सैमसंग के बाद मी और मी के बाद Redmi भी एप्पल के फुटस्टेप्स के ऊपर चलने वाली है। कि अभी रिसेंटली बॉक्सेस की पिक्चर सामने आई हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक चीज़ जो क्लियरली तौर पर हमें इंडिकेट हो रही है कि भाई Redmi K40 सीरीज़ के अंदर हमें बॉक्स के साथ ना तो चार्जर मिलेगा और ना ही हैंड फ्री भी नहीं मिलेगी और हमें केबल भी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब कि ये वाला जो ट्रेंड है अब ये टोटली तौर पर मेन स्ट्रीम के अंदर आ चुका हुआ है। जो अपर मिड रेंज के स्मार्टफोन था यहाँ तक तो ये टोटली तौर पर पहुँच चुका हुआ है। इसके बाद आप लोगों के एक और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देता हूँ इसी के रिलेटेड। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के रिलेटेड। तो जो डिजिटल चैट स्टेशन है उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि शाओमी, ओप्पो, वीवो के जो फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं वो स्केड्यूल के ऊपर लग चुके हैं, मतलब कि उनका जो स्केड्यूल है वो डिसाइड कर लिया गया है, आप लोगों को 2021 के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। जहाँ तक बात है शाओमी के फोल्डिंग फ़ोन की, तो उसकी हम लोग ऑलरेडी लीक्ड पिक्चर्स को देख चुके हैं, जो कि किसी सबवे ट्रेन वगैरह के अंदर कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा था और वहाँ पर हमें क्लियरली तौर पर EMUI 12 नज़र आ रहा था। एक चीज़ मेरे माइंड के अंदर बाद में आई थी, पहले हम लोग वैसे इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिक्चर ली गई मुझे लगता है कि जानबूझकर ली गई है, वहाँ पर EMUI 12 को शो करवाया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई ये शाओमी का फोल्डिंग फ़ोन है, हुआवे का नहीं है, क्योंकि हुआवे के भी फोल्डिंग फ़ोन इससे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो जो पिक्चर लीक होती है मुझे एक चीज़ की ये भी समझ नहीं आती कि हमारे स्मार्टफोन्स का कैमरा इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, जब भी कोई लीक पिक्चर आती है तो उसकी जो क्वालिटी है तो इतनी ज़्यादा फजूल की होती है। खैर अगर हम लोग बात करते हैं ओप्पो और वीवो के फोल्डिंग फ़ोन्स की, तो उनकी हमें अभी तक किसी किस्म की कोई भी लीक चीज़ें देखने को नहीं मिली कि किस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा, कौन सी हिंज को यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी ना भाई, ये
फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की कैटेगरी के अंदर टोटली तौर पर जंप इन करने वाली हैं। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि है Redmi Note 10 सीरीज के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Redmi के जनरल मैनेजर ने चाइना की वेबसाइट के ऊपर Redmi Note 10 सीरीज के रिलेटेड सजेशंस के बारे में बात की कि आप लोग हमें सजेशंस दें। वहाँ पर नीचे एक बंदे ने कमेंट किया नो चार्जर, उन्होंने रिप्लाई किया मैसेज रिसीव्ड। इट मीन्स इसका मतलब जो भी है वो यही बनता है कि भाई Redmi Note 10 सीरीज के अंदर एक्सपेक्टेडली हमें चार्जर और हैंड फ्री देखने को नहीं मिलेगी। वैसे हैंड फ्री का तो मुझे पहले आई थिंक पिछली सीरीज के अंदर भी हमें नहीं मिलती, लेकिन भाई जो चार्जर है वो भी अब हमें देखने को नहीं मिलेगा Redmi Note 10 सीरीज के अंदर। इट मीन्स के जो ये वाला ट्रेंड जो कि फ्लैगशिप से एप्पल से स्टार्ट हुआ था, अभी 6 माह भी नहीं हुए, ये चलता 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 हमारी मिड रेंज के अंदर भी घुसने वाला है। भाई आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोगों को चार्जर चाहिए या फिर नहीं चाहिए? वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर हम लोग पीछे वाली इनकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज उनके ऊपर देखते हैं कि लोगों के पास अभी चार्जर पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। क्या आपके पास कोई चार्जर पड़ा हुआ है? अगर आप लोगों ने Redmi Note 10 सीरीज को बाय करना है, अगर आप लोगों को चार्जर के साथ नहीं मिलती तो क्या आपके पास पड़ा हुआ है जिसको आप लोग ऑलरेडी इसके साथ यूज़ कर पाओगे? वैसे मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा होल्ड डाउन करने की ज़रूरत है, अभी मिड रेंज के अंदर ये काम ना ही करें, क्योंकि मिड रेंज के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं चार्जर्स की तो वो लोगों के पास होते नहीं है। जब भी कोई फ़ोन वो बेचते हैं या फिर जब भी कोई बंदा बाय करता है तो अभी तक के लिए ये ट्रेंड होता है कि चार्जर लाजमी तौर पर इंक्लूडेड होता है। बंदा अगर बेचने जाता है उसका बॉक्स और चार्जर लाजमी तौर पर नेसेसिटी होती है, लेकिन आहिस्ता ये ट्रेंड तो वी आर बेसिकली आना ही आना है। एक दफ़ा तो हमें हमें मुश्किल से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन एक दफ़ा जब हम लोग इससे गुजर जाएंगे तो बाद में हमारे पास डेफिनेटली से बात है कि चार्जर तो पड़े ही होंगे, लेकिन भाई ये वाला जो काम है ये मिड रेंज के अंदर भी आने वाला है। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली का मतलब कल ही PTA ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पिक्चर पोस्ट की जिसके अंदर काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दी गई। उन्होंने कहा कि आप लोग टेली मार्केटिंग की जो कम्युनिकेशंस होती हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि हमें जो मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आती हैं डिफरेंट मार्केटिंग के रिलेटेड, ये वाली डील आ गया, ये वाला पैकेज आ गया, आप लोग उनको ब्लॉक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने REG लिखकर 3627 के ऊपर मैसेज करना तो आप लोग डू नॉट कॉल रजिस्टर के अंदर इंटर हो जाएंगे, आप लोगों को फिर इस किस्म की कॉल्स नहीं आएंगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप लोग स्पैमिंग नंबर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली जो भी नंबर आप लोगों को स्पैम कर रहा है, आप लोगों को तंग वगैरह कर रहा है, आप लोगों ने उस नंबर को 9000 के ऊपर मैसेज कर देना है, आप उस नंबर को टोटली तौर पर ब्लॉक कर पाओगे। इसके अलावा एक और उन्होंने फैसिलिटी दिया है कि आप लोग जो अननोन नंबर होते हैं उनको भी ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप लोग जैज यूफोन और टेलनो यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने डायल करना *420#, अगर आप लोग जोन को यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने स्टार और हैश को नहीं लगाना, आप लोगों ने सिंपली 420 को डायल करना है, तो आप लोग टोटली तौर पर जो अननोन नंबर होते हैं उनको ब्लॉक कर पाओगे। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी वो ये है कि जो टेली मार्केटिंग की कंपेन्स वगैरह चल रही होती हैं भाई ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। बंदा सोया होता सुबह सुबह 8-9 बजे कॉल आ रही होती हैं, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती हैं। वैसे मैंने कंपनीज को पहले कहा भी है कि भाई मैंने तो इसके लिए साइनअप किया ही नहीं है तो आप मुझे क्यों ये कॉल वगैरह करते हो, लेकिन अगर ये लोग आपके मैसेज करने के बावजूद इसके ऊपर अमल नहीं करते, आप लोगों को स्टिल कॉल आती हैं, तो भाई PTA ने कहा कि आप लोग हमें बताएं, आप लोग PTA को कंप्लेन कर पाओगे, जल्दी से ये काम कर लें। काफ़ी अच्छी अपडेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हुई है इस अपडेट को देखकर। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है OPPO की तरफ से। तो OPPO ने चाइना के अंदर एक अपना बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि है OPPO A55। इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे जो 5G फोन होते हैं उनको मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि हमें आइडिया होता रहे कि मार्केट के अंदर जो 5G फोन की प्राइजेज हैं वो कहाँ तक पहुँच चुकी हुई हैं। हमें इवेंचुअली जो 5G स्मार्टफोन चाहिए वो कम प्राइस के ऊपर ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं OPPO के बजट 5G स्मार्टफोन की तो इसके अंदर हमें IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है 720p रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर नोच है, नोच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक साइड के ऊपर हमें काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन मिल रहा है, मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल के माइक्रो डेप्थ सेंसर है। डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात की जाए प्राइस की तो इसकी प्राइस है $247 इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर हम लोग उसको डायरेक्ट तौर पर कन्वर्ट करते हैं तो ये 39,000 बनती है। 39,000 का प्राइस टैग के अंदर इस वक्त हमें आप लोग मतलब कि आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत कि 5G स्मार्टफोन मिल जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर 5G आता है किसी भी सिटी के अंदर हमें
25 से 30,000 के अंदर 5G स्मार्टफोन मिलना चाहिए। वैसे जो प्रोसेसर्स की रेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह चल रही है, मीडिया टेक के जो डोमेस्टिक प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीपली आ रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो जब भी हमें बजट के अंदर कोई भी 5G फ़ोन मिल रहा था तो मीडिया टेक के डोमेस्टिक प्रोसेसर के साथ ही आ रहा होता है। देखना ही पड़ेगा कि इनके आपस में जो बैटल है स्नैपड्रैगन की और मीडिया टेक की कितनी ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहती है, होती है, जो भी होती है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी, वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को ही सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।